यह बड़ा मामला गुना जिले के धरनावदा थाना क्षेत्र में आने वाले ग्राम सोंटी गांव का है, जहां गुर्जर समाज के दबंगों द्वारा लक्ष्मी नारायण यादव की हत्या कर दी गई थी। एक व्यक्ति और भी घायल हो गया था। इसी मामले में हजारों की तादाद में एकत्रित हुए दशहरा मैदान में यादव लोगों ने एसपी कलेक्टर को आवेदन देकर आरोपियों पर कठोर कार्यवाही करने की मांग की और बताया कि दबंग लोग 500 बीघा वन विभाग की जमीन पर खेती कर रहे हैं, अवैध ढाबा चला रहे हैं जो नशे का केंद्र बना हुआ है। यादव समाज ने यह भी आरोप लगाया कि अवैध बसें भी चलाई जा रही हैं। वहीं पुलिस प्रशासन के अधिकारियों पर भी नाम हेराफेरी करने का आरोप लगाया और मांग की है कि यह सभी जांचें होने के बाद उनको सस्पेंड करें, प्रशासन आरोपियों के दर पर बुलडोजर चलाने कठोर कार्यवाही की जाए। मिली जानकारी के अनुसार लक्ष्मी नारायण की हत्या चुनावी रंजिश के मद्देनजर की गई थी। आप जो ज्ञापन दे रहे हैं, किस संदर्भ में ज्ञापन दिया और क्या मांगे हैं आप? बीते कुछ दिन पहले हमारे भाई हैं सोंटी गांव से, उनकी हत्या करी गई थी गुर्जर समाज के कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा। प्रशासन को हत्या के बाद भी बताया गया था और उसके बाद प्रशासन ने आश्वस्त किया कि एक हफ्ते में कार्रवाई हो जाएगी और एक हफ्ते की जगह आज 16-17 दिन हो चुके हैं, कोई भी उचित कार्रवाई नहीं हुई। जितने भी दोषी हैं जिनके नाम लिखवाए गए थे, सभी दोषियों को नहीं पकड़ा गया, कुछ पकड़े गए हैं। जो हमारी मांग है, जिस मांग को लेकर हमने आज ज्ञापन दिया है कि जो भी अवैध संपत्ति है, ये जो बुलडोजर नीति अपनाई जा रही है, तो बुलडोजर का तेल यहाँ क्यों ख़त्म हो गया? उस बुलडोजर को यहाँ भी चलाया जाए, परिवार को, पीड़ित परिवार को 50 लाख के मुआवजे की मांग करी है और पीड़ित परिवार को जब तक कार्रवाई नहीं होती है, सारे दोषी सलाखों के पीछे नहीं होते हैं, कड़ी से कड़ी सज़ा उन्हें नहीं मिलती है, तब तक पीड़ित परिवार को संरक्षण प्रदान करे प्रशासन। ठीक है, क्या आश्वासन मिला है इसकी साथियों? आश्वासन में उन्होंने कहा है कि उचित कार्रवाई वो करेंगे। अब मामला उनके संज्ञान में है, 5 लोग समाज के मिलकर जो भी उन्हें इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो भी सहायता चाहिए होगी वो उन्हें प्रोवाइड करवाई जाएगी और उसी के माध्यम से अगर कार्रवाई नहीं होती है तो एक समाज के नाते हमने ये चीज़ रख दी है कि अगर कोई उचित कार्रवाई नहीं होगी फिर आगे समाज निर्णय करेगा। कितने आरोपी फरार हैं और कितने गिरफ्तार हो चुके हैं? सतीश भाई 4 गिरफ्तार हुए। कितने जो मुख्य आरोपी हैं वो? मुख्य आरोपी फरार है। अभी जो एसपी सर से आपकी बात चल रही थी, कहा जा रहा था कि जी जी हमें एसपी ऑफिस वारदात होने के दूसरी बार ज्ञापन देने आए, क्योंकि पहली बार में भी जो हमने जो नाम 9 नाम दिए थे गुर्जर समाज के, उन्हें आज तक उनमें से सिर्फ 4 गिरफ्तार हुए हैं, उनमें से 5 फरार हैं। इसलिए सर्व समाज से आज फिर ज्ञापन देना पड़ रहा है कि 5 लोगों को और गिरफ्तार किया जाए और उनसे पूछा जाए कि अन्य लोग और कौन थे, क्योंकि वो 9 से भी ज़्यादा संख्या में थे। आप कौन हैं? मैं उनका ताऊ जी का लड़का हूँ, छोटा छोटा भाई सतीश यादव। अभी कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? अभी सिर्फ 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई है उसमें। और क्या मांग रखी है आपने? हमने एसपी साहब से तो यही कहा है अभी कि आप 9 के 9 अपराधियों को गिरफ्तार करो और उनसे पूछताछ करो कि और अगले कौन थे। इसके अलावा उनको जल्दी से जल्दी गिरफ्तार होना चाहिए, नहीं तो उनसे सबूत भी मिटा रहे हैं वो बाहर रह के और सबको धमका रहे हैं, है ना, तो उसके लिए हमने मांग की है। 3 तारीख की घटना है। डिज्नीलैंड मेला एवं प्रदर्शनी का भव्य शुभारंभ गुना में किया गया है, जहां आपको मिलेगी ग्वालियर की मशहूर सॉफ्टी, मुंबई की भेलपुरी एवं कोल्ड ड्रिंक, साथ ही यहां पर आप हवाई झूला, मयूरी बोट, ब्रेव डांस झूला, ड्रैगन झूला आदि के मजे ले सकते हैं। वहीं बच्चों के लिए खास तौर से मिक्की माउस भी बुलाए गए हैं। महिलाओं के लिए जहां एक और फिरोजाबाद की मशहूर चूड़ियां, ज्वेलरी और कटारी तथा हैंडलूम आइटम्स की व्यवस्था की गई है, वहीं बच्चों के लिए ढेर सारे इलेक्ट्रॉनिक खिलौने भी मिलेंगे। इसके साथ ही हर उम्र के व्यक्तियों के लिए यहां मनोरंजन की खास व्यवस्था भी की गई है। पता नोट करें, प्रताप छात्रावास गुना।